जी आरिफ साहब, मोहतरम, इसमें ऐसे है कि जब हम मुसलमान हो गए तो फिर हमें इस बात पर कामिल यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के हर हुक्म में कुछ ऐसी मसलतें हैं कि हम अगरचे उनको ना समझ सकें लेकिन उनमें इंसान की फलाह बहबूद जो है वो पोशीदा रखी गई है। अगर आज कुर्बानी पर यह सवाल तस्लीम कर लिया जाए तो फिर कल हज जो एक बहुत बड़ी रकम के साथ किया जाता है फिर उस पर भी इतराज़। हज पे तो है, कहते हैं कि भाई आपने एक हज कर लिया, दूसरा हज ना कराएं, आप लोगों की शादी करा दें, आप लोगों को हेल्प आउट कर दें, ये है, ये सिलसिला, ये भी बातें हुई हैं। हमें पहले तो ये बात समझनी चाहिए कि अल्लाह और उसके रसूल के हर हुक्म में मसलहते हैं, हिकमतें हैं जो हम नहीं समझ सकते। ठीक है, एक तो ये बात होगी। दूसरा ये, अगर ये दरवाजा खोल दिया जाए तो फिर किसी भी इबादत को आप महफूज नहीं रख सकेंगे। ठीक है, और तीसरी बात जो सबसे मैं समझता हूं कि अहम है कुर्बानी के हवाले से, ये लोगों की फलाह बहबूद के लिए सवाल नहीं उठाया जाता, असल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को बिगाड़ने के लिए एक फिक्र पैदा की जाती है नई नस्ल के जहन के अंदर, और यहां से जब बिगाड़ शुरू होगा तो ये बिगाड़ आते आते अकायद तक जा पहुंचेगा। तो इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि जो मामला भी शरीयत में अल्लाह की तरफ से नाफिज किया गया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से नाफिज किया गया तो हमारी आंखें बंद हैं और हम उन चीजों को आंखें बंद करके तस्लीम कर। सुभान अल्लाह, पूरा साल इंतजार था मुझे इस रमजान में, 30 दिन 6 टीम्स 12 कंटेस्टेंट्स कैश का पार। अब गेम वो होगा जिसे आपका नेम है जिसने जो करना था कर लिया, लाखों आवाम को देने का जिम्मा हमने हिस्सा, शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान, रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान, नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।